गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? टुडे इज फ्राइडे। बेटा आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। क्लास थर्ड में हमने पिछली बार क्या किया था, पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में हमने क्या किया था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या किया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किया था। क्या किया था? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस के बारे में बताता है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में एक्सरसाइज ए दी हुई है, आपको हम बुक में करना है। ठीक है बेटा, देखो आप स्टार्ट करते हैं। द मंकी क्लाइम अप द ट्री। द मंकी क्लाइम अप द ट्री। बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करना है इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? द मंकी क्लाइम अप द ट्री क्या हुआ? प्रेडिकेट। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। मैंने आपको बताया था बच्चों पिछली वीडियो में, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में भी होता है, सेंटर में भी होता है, लास्ट में भी होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? द मंकी क्लाइम अप द ट्री क्या हुआ? प्रेडिकेट। तो हम यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? द मंकी। द मंकी क्लाइम अप द ट्री। नेक्स्ट देखो बेटा, सोनू इज ए सिंगर। सोनू क्या है? सिंगर है। सोनू को क्या हुआ? सब्जेक्ट। सोनू क्या हुआ? सब्जेक्ट। इज ए सिंगर क्या हुआ? प्रेडिकेट। सोनू क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सोनू के बाद, सोनू के बाद इज ए सिंगर, सोनू सब्जेक्ट हुआ, तो वो क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। सेंटेंस के बारे में कौन कहता है? सब्जेक्ट। इज ए सिंगर प्रेडिकेट क्या हुआ? प्रेडिकेट किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में, कि सोनू क्या है? एक सिंगर है। सोनू इज ए सिंगर। सोनू इज ए सिंगर। थर्ड, द मून इज राउंड। द मून इज राउंड क्या लिखा हुआ है? मून क्या होता है पता है ना सबको? मून होता है चांद। ठीक है, द मून इज राउंड। द मून क्या हुआ? सब्जेक्ट। इज राउंड क्या हुआ? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस के बारे में कौन बता रहा है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? ये द मून। इज राउंड क्या है? प्रेडिकेट। क्या हुआ? सब्जेक्ट द मून। इज राउंड क्या हुआ? प्रेडिकेट। इज राउंड। नेक्स्ट देखो, द एलिफेंट वाज एंग्री। द एलिफेंट क्या हुआ? सब्जेक्ट वाज एंग्री। प्रेडिकेट। एलिफेंट क्या है? बहुत गुस्से में था। द एलिफेंट वाज एंग्री। द एलिफेंट क्या हुआ? सब्जेक्ट वाज एंग्री। प्रेडिकेट वाज एंग्री। नेक्स्ट देखो बेटा, द क्रैब्स आर श्योर। द क्रैब्स आर श्योर। अंगूर क्या होते हैं? खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर अंगूर खट्टे ही होते हैं। ठीक है, द क्रैब्स आर श्योर। ये क्रैब्स क्या हुआ? द क्रैब्स सब्जेक्ट। द क्रैब्स सब्जेक्ट एंड आर श्योर प्रेडिकेट। नेक्स्ट, दीप्ति इज ए टीचर। दीप्ति कौन है? सब्जेक्ट। इज ए टीचर क्या हुआ? एक टीचर है। दीप्ति कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज ए टीचर। इज ए टीचर क्या हुआ? प्रेडिकेट। ठीक है, दीप्ति क्या है? सब्जेक्ट। इज ए टीचर। Is a teacher, ठीक है? Is a teacher क्या हुआ? हमारा predicate हुआ। The pole is long. The pole is long. The pole क्या है? Subject. Is long predicate. Is long. Manu is honest. Manu कौन है? Subject. इज ऑनेस्ट। प्रेडिकेट।
मून इज ऑनेस्ट. नेक्स्ट द सन इज राइजिंग. द सन सब्जेक्ट इज राइजिंग क्या हुआ प्रेडिकेट. द सन इज राइजिंग. नेक्स्ट द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास. स्टूडेंट कौन है सब्जेक्ट आर इन द क्लास क्या हुआ प्रेडिकेट. सेंटेंस में बताया गया इसके बारे में. सेंटेंस में बताया सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के बारे में और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में. प्रेडिकेट बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में क्या है स्टूडेंट्स क्या है आर इन द क्लास. ये क्या हुआ द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास आर इन द क्लास. क्या क्या बैठा हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस में क्या था ये क्या लिखा था मैं द मंकी क्लाइम्ब अप द ट्री. हमने को क्या करना था फाइंड आउट करना था कौन सा सब्जेक्ट है इसमें कौन सा प्रेडिकेट है. तो देखो हमने क्या था फाइंड आउट किया करके क्या लिखा द मंकी क्या हुआ सब्जेक्ट क्लाइम्ब अप द ट्री क्या हुआ प्रेडिकेट. सोनू क्या इज ए सब्जेक्ट इज ए सिंगल प्रेडिकेट. द मून सब्जेक्ट इज राउंड प्रेडिकेट. द एलिफेंट वाज एंग्री एलिफेंट द एलिफेंट क्या था सब्जेक्ट वाज एंग्री प्रेडिकेट. द क्रैब्स सब्जेक्ट आर श्योर प्रेडिकेट. दीप्ति सब्जेक्ट इज ए टीचर क्या था प्रेडिकेट. द पोल इज लॉन्ग द पोल क्या था सब्जेक्ट इज लॉन्ग प्रेडिकेट. मनु इज ऑनेस्ट मनु क्या था हमारा सब्जेक्ट इज ऑनेस्ट प्रेडिकेट. द सन इज राइजिंग द सन सब्जेक्ट इज राइजिंग प्रेडिकेट. द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट आर इन द क्लास प्रेडिकेट. सब बच्चे अपनी बुक में आपकी बुक में बेटा शायद ए दी हुई है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आप सब सभी बच्चे इसको बुक में फिल करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे. ठीक है बेटा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.